लेटेस्ट अपडेट्स के लिए दबाना न भूलें बेल आइकन और सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल। चलिए बात भड़ाना यात्रा की करते हैं। अपनों को अपनों से खतरा, अपने दिखा सकते हैं अपनों को आंखें, ये फरीदाबाद है साहब, यहाँ अपने अपने नहीं होते। अगर राजनीति की बात करें तो शायद बिल्कुल नहीं। केंद्रीय राज्य मंत्री और प्रदेश में कैबिनेट मंत्री का प्रेम तो ये सबके सामने था। अब जींद में एक और किरदार आने वाला है, या फिर यूं कहिए कि भड़ाना एंट्री मतलब बीजेपी की फरीदाबाद की एंट्री में सीधे सीधे शह और मात का खेल शुरू होने वाला है। अपनों को अपनों से खतरा, अपने दिखा सकते हैं अपनों को आंखें, ये फरीदाबाद है साहब, जरा देखिए और समझिए फरीदाबाद की इस राजनीति को। ये फरीदाबाद बीजेपी के हर बड़े नेता की जंग है। यहाँ ऐसे लगने लगा है कि 2019 के संग्राम से पहले शायद एक जंग एक दूसरे को पटकनी देने के लिए लड़ी जानी है। मतलब जिले में पार्टी के तमाम बड़े नेता शायद एक दूसरे को सीधी मात देने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते। केंद्र में राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर और सूबे में पार्टी के हैवीवेट कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल के बीच जितनी मोहब्बतें हैं वो सबके सामने हैं। अब यहाँ एक फैक्टर और दिखने लगा है और वो है भड़ाना फैक्टर। अवतार सिंह भड़ाना फिलहाल यूपी में मीरापुर से बीजेपी के विधायक हैं, लेकिन उनका फरीदाबाद प्रेम एक बार फिर से उमड़ आया है। भड़ाना एक बार फिर से फरीदाबाद लोकसभा सीट से सांसद के रूप में अवतार लेना चाहते हैं। उनकी इच्छा जाहिर करने का तरीका बताता है कि इस बार इरादे कितने बुलंद हैं। दादों के यहाँ के कोई नेता है, अगर पार्टी का जैसे अटल जी का आशीर्वाद मुझे मिल गया था, ऐसे ही जब पार्टी का आशीर्वाद मिल जाएगा तो मेरे सामने यह पर्चा भरने वाले नहीं मिलेंगे। जरा समीकरण समझिए। अवतार भड़ाना 2014 में फरीदाबाद लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की टिकट पर बीजेपी के कृष्णपाल गुर्जर के सामने खड़े थे। मोदी लहर थी तो हार कुछ ज्यादा करारी हो गई। भड़ाना साहब को कुछ भी समझ में नहीं आया, उन्हें लगने लगा कि अभी यहाँ दाल गलने में थोड़ी देर लग सकती है, तो हाथ का साथ छोड़ दिया और थाम लिया कमल। और भड़ाना का ये कमल खिला यूपी के विधानसभा चुनाव में मीरापुर सीट से। लेकिन साहब, अपना घर तो फिर अपना ही होता है ना, यहाँ रोब है, टोर है, और भड़ाना साहब कह भी रहे हैं कि उनके समर्थक उन्हें घर वापस बुलाना चाहते हैं। और फिर जनता जनार्दन ने मेरे लिए, जनता जनार्दन के बीच खड़ा होकर पूछूंगा, क्या जन जन मुझे चाहता है मैं यहाँ से चुनाव लड़ूं? अगर सबने कहा एक एक तरीके से, जन जन एक मत से कहा, तो फैसला करूंगा मंदिर पर। उनसे भी पूछूंगा, आप मंदिर पर खड़े हैं, झूठा भरोसा मत देना। और मैं भी उन्हें भरोसा देता हूँ कि आपके भरोसे पे फरीदाबाद से चुनाव लड़ूंगा। अब भड़ाना पर भाजपा दाव लगाती है या नहीं, ये तो पार्टी को तय करना है। लेकिन इतना तय है कि अगर भड़ाना फरीदाबाद आते हैं तो यहाँ के समीकरण फिर से सेट करने होंगे। अभी तक फरीदाबाद में भाजपा के दो गुट माने जाते हैं, लेकिन एबी फैक्टर आने के बाद ये खाने फरीदाबाद में बढ़ेंगे। क्या हो सकता है भड़ाना फैक्टर का असर? क्या कृष्णपाल गुर्जर और विपुल गोयल में बढ़ेंगी नजदीकियां? अगर विपुल गोयल भड़ाना के साथ आए तो कृष्णपाल गुर्जर की बढ़ सकती है मुश्किलें। क्या विपुल गोयल भी लोकसभा के लिए कस रहे हैं कमर? अरे साहब, एक किरदार तो छूट ही रहा है। इस किरदार पर विधानसभा तक में हंगामा बरप चुका है और ये किरदार है मामा। निशाना भांजे पर रहता है और पासा मामा के नाम से फेंका जाए तो यही तो सियासी चौसर का एक खेल समझा जाता है। हमको मालूम नहीं है कौन लोग हैं, और सरेआम बॉर्डर से होटल बॉर्डर तक हर घटना के बाद जब इसकी बीवी ने कहा, अपराधियों ने कहा तू क्या कर लेगी, मामा हमारे साथ है, ये मामा अपराधी कौन है जो संरक्षण देता है इन गुंडे अपराधियों को और अवैध धंधे में जुड़े लोगों के खिलाफ, उसके खिलाफ कार्रवाई की मांग करूंगा, मुख्यमंत्री जी करेंगे और प्रधानमंत्री के पेश हो जाऊंगा। अब अटकलों का बाजार गर्म हो तो नेताओं का बीपी ना बढ़े, ऐसा कैसे हो सकता है? और अब तो बात सीट पर आन खड़ी हुई है, तो कोई कैसे नहीं बोलेगा भाई। तो लीजिए कृष्णपाल गुर्जर साहब का
ये बयान अखबारों में आ चुका है। वो कहते हैं कि अनुशासनहीनता में पार्टी ने बड़े बड़े नेताओं को बाहर का रास्ता दिखा दिया है। भाजपा में टिकट पार्टी का संसदीय बोर्ड तय करता है। अभी अवतार भड़ाना को भाजपा की रीति नीति के बारे में ज्यादा जानकारी तक नहीं है। बात तो भड़ाना फैक्टर की हो रही है, फिर एक और भड़ाना को कैसे भुलाया जा सकता है, और ये है अवतार के बड़े भाई करतार। करतार की इच्छा भी तो फरीदाबाद से ही लोकसभा पहुंचने की है। वो 3 बार से यूपी से विधायक हैं और 1 बार हरियाणा में मंत्री भी रह चुके हैं। फिलहाल अजीत सिंह की पार्टी में हैं और पार्टी का चुनाव चिन्ह हैंडपंप फरीदाबाद में गढ़वाना चाहते हैं। वो बात अलग है कि कहीं उन्हीं का अनुज गदर फिल्म का सन्नी देओल ना बन जाए। एक बात और बता दे आपको, करतार के बेटे मनमोहन भड़ाना कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला के काफी नजदीक समझे जाते हैं, और सूत्र ये भी कहते हैं कि मनमोहन को इस बार पानीपत जिले की समालका सीट से टिकट दिलवाने की पूरी कोशिशें उनके पिता कर रहे हैं, क्योंकि करतार सिंह यहां से खुद 2 बार विधायक रह चुके हैं। मतलब वक्त फिर आ गया है वही गीत सुनने का जो रिपोर्ट के शुरू में सुना था, क्योंकि यही होने जा रहा है फरीदाबाद में। जितेंद्र चौधरी के साथ सियासत दिस वीक डेस्क। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए दबाना न भूलें बेल आइकन और सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल।